त्रिकोण या वर्ग, यह सब एक सवाल है। सही कहा ना? क्या खाने की आकृति की वजह से खाने का स्वाद बदल जाता है? हम इस बात का पता अपने इस चुनौती के माध्यम से लगा लेंगे। एक सामान्य सा दिन, सभी अपने अपने कामों में कुछ न कुछ करने में व्यस्त हैं। जेन, एंडी एंड जेस सभी काफी मेहनत कर रहे हैं और अब कुछ खाने का समय आ गया है। अब उनके भूखे पेट की कोई अनदेखी नहीं होगी, लेकिन एंडी की रुचि रोज की तरह एक उबाऊ दोपहर के भोजन में नहीं है। वह सोच रहा है कि उन्हें एक सर्कल, त्रिकोण या स्क्वायर चुनौती को एक साथ रखना चाहिए, क्यों नहीं? वाह, दोपहर के भोजन के लिए तरबूज, और वे सब इतने बड़े हैं। लेकिन रुकिए, एंडी का चौकोर हिस्सा है। जेस का त्रिकोण, जेन एक अकेली अपनी तरबूज के साथ बैठी हुई है उसके गोल घेरे के साथ। लेकिन चलो, आप तरबूज को किसी भी आकार में ढाल सकते हैं। आपको बस कुछ प्रेरणा और सही उपकरण चाहिए। बहुत बढ़िया, यह और भी मजेदार है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हम किसी संगमरमर के टुकड़े को तराश रहे हों। जेन के लिए यह सबसे आसान है, वो जहाँ भी चाहे सर्कल बना सकती है। और जेस को कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है और फल के छोटे छोटे टुकड़े इधर उधर उड़ रहे हैं, पर वो अपना ध्यान इतना केंद्रित करके काम कर रहे हैं कि वह भूल भी गए हैं कि तरबूज खाने के लिए थे। ऐसा लग रहा है कि अब उनके पास इसके लिए ऊर्जा ही नहीं बची है। अब अगला कार्य, पर इस बार उन्हें अपने आकार प्राप्त करने के लिए क्या हम कोई अंदाजा लगा सकते हैं? वह क्या है, कोई विचार? एंडी पहला है जिसे वह करने की जरूरत है, या बल्कि अप्रिय लगता है, लेकिन नियम तो नियम है। जेन उसके बाद लाइन में आती है, पर उसकी डिश एंडी की तरह स्वादिष्ट नहीं लग रहा है। जेस इस तरह की अजीब आवश्यकता से प्रभावित नहीं है। जेन अपने मसालेदार सरसों को जीभ से चाट रही है, बेचारी लड़की। दूसरी ओर एंडी अपने डिश के कारण खुशी से मानो आकाश में ही उड़ रहा हो, पर जेन उसे वापस पृथ्वी पर खींच लाने को तैयार है। लेकिन कितना भयानक, उसने अपनी अभी अभी एक पूरे बने हुए स्क्वायर को बर्बाद कर दिया। और फिर भी एंडी को कोई नुकसान नहीं हुआ, वो उसे जल्दी ठीक कर देता है। लेकिन अब जेस उसे आजमाती है और उसे एक बार फिर से गड़बड़ कर देती है। तो सबसे अच्छा किसने किया, चलो देखते हैं। ठीक है, एंडी स्पष्ट रूप से नहीं, हालांकि उसकी खुद की कोई गलती नहीं है। अरे चलो यार, परेशान मत हो, यहाँ पासा पलटते देर नहीं लगती। पिज्जा गर्म और ताजा, सीधा ओवन से। एक प्रतियोगी तुरंत एक टुकड़ा छीन लेता है, पर एंडी वहाँ पर बैठा हुआ है सिर्फ बैठकर देखने के लिए नहीं। यदि आप ध्यान देंगे तो वह टुकड़ा वर्गाकार पेपरोनी से ढका हुआ है, इसलिए जेस को बिना किसी टॉपिंग के छोड़ दिया जाएगा। जेन चीजों को अलग तरीके से देखती है और समझती है कि पेपरोनी को वापस रखने की आवश्यकता है। और जब आप इसे देखते हैं तो त्रिकोणीय टुकड़ा भी, और जब यह एक बार हो गया तब देखो एक गोल पिज्जा। और यदि वह आकृति हमारे पास है तो वह है हमारी जेन का। हाँ, जो सही है वो सही है। यदि आप जेन से पूछते हैं तो यह ठीक है, लेकिन उस मेज पर बैठे अन्य दो काफी सहमत नहीं हैं। उसने वास्तव में एक छोटा सा हिस्सा भी किसी को नहीं दिया। तुम कितनी लालची हो जेन। चॉकलेट केक, कोई हाल में नहीं। एंडी ने जेन की आखिरी राउंड की रणनीति को दोहराने की कोशिश की, लेकिन एक तकनीकी वजह से वह रुक गया। वह केक रेक्टेंगल है जो तकनीकी रूप से एक स्क्वायर नहीं है, इसलिए इसे आजमाओ भी नहीं एंडी। और फिर भी वह इंगित करता है कि चार पक्ष और चार कोने समान हैं, पर लड़कियां इसे मानने को तैयार नहीं हैं, इसलिए रुक जाओ। जेन इस बहस से तंग आ गई है और उसे एक चाकू भी मिल गया है, तो
तो जरा बच के, बस मजाक कर रहे हैं। वह तो बस उन आकृतियों को उकेरने जा रही है जिनकी उन्हें जरूरत है। चॉकलेट केक शानदार होते हैं, चाहे इसके कितने भी किनारे हों या कोई भी ना हो। तो हमारे प्रत्येक प्रतियोगी खुश है, कम से कम इस समय के लिए। तो नींबू पानी, यह एक स्वागत योग्य परिवर्तन है। वह केक स्वादिष्ट था लेकिन काफी रिच भी था। उन्हें सभी को एक पेय चाहिए। वाह, क्या जैन ने समय से पहले तैयारी कर ली थी। उसे गोल ग्लास मिला है, संभालना आसान है। एंडी, क्या तुम वास्तव में इस कटोरे से पीने जा रहे हो? ओह, किसे परवाह है, आखिरकार आपको उस आकार में एक डिश में बहुत कुछ मिल सकता है। जेस, मुझे यहाँ कोई मुड़े हुए कपड़े तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। और क्या मैं यहाँ कुछ भूल रही हूँ? ओ, मैं देख रही हूँ कि हमारी लड़की रचनात्मक रूप से पागल है और वो अपनी खुद की एक चालाक विधि के साथ आती है, एक त्रिकोणीय स्त्री। आखिरकार आपके दिन के अंत में आपकी प्यास बुझाने का एक और तरीका है, अगर आप जानते हैं कि इसका उपयोग कैसे करना है ना चौंकाने वाला। हमारी तिकड़ी पूरी धूम धड़ाके के साथ अपने फ्रेंच फ्राइज को लपकने के लिए तैयार है, और वे ऐसा कर भी लेते अगर उनके पास ये चुनौती नहीं होती और वे नियमों का पालन नहीं करते। जल्दी से वे अपना दिमाग लगाते हैं और एक समाधान मिल जाता है। जैस वास्तव में क्या कर रही है? यह एकदम ही आसान है। इस स्थिति में एक त्रिकोण आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। अन्य दोनों को देखते हैं कि वह क्या कर रहे हैं, और वह अपने हिस्से के साथ भी कुछ जल्दी से कर रहे हैं। और देखो, यह तो बहुत बढ़िया से हो गया। फ्रेंच फ्राइज को ज्यामितीय आकृतियों में व्यवस्थित करना वास्तव में काफी मजेदार और मनोरंजक है। देखो, वे अपने आप में कितना आनंद ले रहे हैं। और अब सबसे महत्वपूर्ण समय, अब उन्हें खाने का है, जिसके लिए वे सभी आवश्यकता को पूरा कर चुके हैं। अब आप सब इसका आनंद ले। आइसक्रीम, लेकिन अब हम निश्चित रूप से दीवार पर टकराएंगे। ऐसा कोई तरीका नहीं है जो उन्हें सही आकार दे सके, कोई भी रास्ता नहीं। लेकिन जैन को इससे गुजरना है और उसे अपनी स्कूप्स के साथ फिर से अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। चिंता की कोई बात नहीं, जैस के पास एक और बेहतरीन आइडिया है। इसे स्कूप करने के लिए एक त्रिकोणीय चिप्स का उपयोग क्यों नहीं किया जा सकता है? ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि यह नहीं कर सकते। एंडी, ओ वाह, आप उन सभी से आगे निकल गए हैं। चॉकलेट और आइसक्रीम से बेहतर क्या हो सकता है? जेन अपनी आइसक्रीम खत्म करने के बाद अब एंडी को परेशान करना चाह रही है, पर ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बस अपने कुकीज का आनंद लो। ओह चीज, यह दिलचस्प होना चाहिए। एंडी स्पष्ट रूप से काफी उत्साहित है, पर उसके पास काफी साधारण चीज है, और दूसरी ओर लड़कियों की प्लेट में कुछ विशिष्ट प्रकार की चीज है। जैस ब्लू चीज, ओह यह बदबू। और जैन को एक बहुत गर्म फोंडू मिला है, बहुत ही स्वादिष्ट, लेकिन इस समय छूने के लिए खतरनाक है। एंडी एक योजना के साथ आया है, चीज के ऊपर चीज, और इससे प्रेरणा लेकर जैस ने इसे और आगे ले जाने के लिए चीज प्लस चीज प्लस चीज ले लिया है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मुझे उस पर दया करनी चाहिए या उससे ईर्ष्या करनी चाहिए। पास्ता, लेकिन यह सब उतना आसान नहीं है। प्रत्येक भाग में इसकी अपनी सॉस है, तो वास्तव में इसे क्या मिला, मैं जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। इसके लिए पता लगाने के लिए एक ही उपाय है, बस खाना शुरू करो लड़के और लड़कियाँ। जैसे शुरुआत करती है बहादुर लड़की, नहीं जानना ही असली यातना है, और अगर एक बार आप जान जाते हैं तो जो है सो है। इसलिए अब एक बड़ा सा भाग खाकर देखें और हमें बताएं। ओ, यह
कुछ अजीब है जो कि स्पैगेटी के साथ नहीं जाता है, पर ये अपने आप में बहुत ही बढ़िया है। अपने पकवान को चखने की बारी अब एंडी की है और उसके ठीक बाद जेन की बारी होगी। वे दोनों उदारता से अपने पास्ता पर सॉस डालते हैं। जेन आराम से बैठी है पर उससे ज्यादा रोमांचित है, लेकिन एंडी नहीं है। उसकी सॉस पर एक बुरा आश्चर्य था और उसे वास्तव में इस स्वाद को अपने मुंह से निकालने की जरूरत है। जेन शायद अपनी कुछ सॉस साझा करने के लिए तैयार हो। यह एक ऑल आउट लड़ाई है और जेस इकलौती पीड़ित है। दोस्तों, अगली बार थोड़ा और सावधान रहे, ठीक है? मुझे लगता है कि वे सब कुछ खा चुके हैं, कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है, शर्म की बात है कि चुनौती खत्म हो गई है। अगर आप इसके बारे में सोचते हैं तो वास्तव में थोड़ा दुखी होते हैं। यह प्रतियोगिता वास्तव में काफी मनोरंजक थी। इन तीनों ने शायद इस तरह का दोपहर का भोजन कभी नहीं किया होगा। केवल एक ही चीज बचा है कि इन सब को साफ करें और एक नए के साथ आए। एक चुनौती से बेहतर कुछ नहीं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को हमारे बारे में बताएं ताकि आप एक साथ हंस सके। हमारे पास आपके लिए और भी बहुत सारे मजेदार वीडियोस हैं। अगली बार फिर मिलते हैं दोस्तों।